गोल्ड हमेशा एक्साइटिंग होता है बिकॉज इट्स फ्रेश. वी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी ईयर. 12 साल हो गए हैं एंड विकास ऑलवेज किल्स इट. इस बार लाइव है तो और भी मजा आने वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इनसाइड. मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है रोहित के बिना कहीं भी जाने की. सो आई फील सो इनकम्प्लीट, मुझे एकदम अकेला अकेला लगता है. बट ड्यू टू नच वो बहुत थके हुए हैं, ही इज़ रेस्टिंग एंड इट्स ओके. एक आध अवार्ड फंक्शन पे अकेले आना. रोहित इज किलिंग इट. मतलब उसको देखकर लगता है मुझे कि अब मुझे डांसिंग सीखने की जरूरत है. ही इज किलिंग इट. एंड जहाँ तक कपल गोल्स की बात है, वी आर आवर सेल्व्स. हम रियल लाइफ में ऐसे ही हैं एंड हम वैसे ही रहते हैं. And I'm glad that people like us as a couple. So thank you for loving us. जी 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 हाँ हाँ. I think बहुत ही special. In fact, specially रोहित और मेरे लिए. हम बहुत घबरा रहे थे नच करने के लिए, पर इतना प्यार मिला and they're loving us so much. And I truly believe कि हम जो कुछ भी हैं because of the love of our fans. So thank you दिल से for showering so much of love on Ronita. I think हम हर episode is like a struggle. हम एक war की तरह जंग के लिए तैयार होते हैं. So we are working really hard and मेहनत का फल मीठा होता है. So fingers crossed, hopefully अच्छा ही होगा. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कमिंग एपिसोड्स में. हम इंजॉय कर रहे हैं. हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है, बट इट्स सुपर फन. आई थिंक मैंने सबसे पहले तो दिव्यांका को जाकर पर्सनली कहा था कि हाउ डिड यू डू इट, इट इज़ सो डिफिकल्ट. मतलब मेरे लिए एक कपल, अगर आपने नच कर लिया देन यू आर कपल गोल्स. बिकॉज इट यू गो थ्रू सो मच स्ट्रेस टुगेदर, यू नो यू आर डूइंग थिंग्स जो आपने कभी कभी सोचा भी नहीं होगा एंड इट इज़ सो स्ट्रेनियस एंड हेक्टिक. एंड डेफिनेटली मैंने उनसे टिप्स ली थी एंड शी जस्ट सेड दैट इट्स ओके. यू नो स्ट्रेस में ऐसा लग रहा था वेदर वील पुल इट ऑफ ऑन नो, बट शी सेड कि बस फोकस करो, दिल से डांस करो एंड इट विल बी ऑल गुड. Honestly, I have no idea कि नागिन फो में कौन होगा, but I truly believe that एकता की जो नज़र है कास्टिंग में, I think she is the best. तो वो जिन्हें भी चूज़ करेंगी they'll be very very good. And जो भी नागिन फो करे, I'd like to wish them all the best and I'm sure it's going to be a super duper hit. आई लव करण एंड मुझे पता है कि वो एक रॉक स्टार है. मुझे नहीं पता कौन फाइनलिस्ट हैं या कौन नहीं, लेकिन मैं बस यही चाहूँगी कि अगर वो शो कोई जीते तो करण पटेल ही जीते. आई थिंक सभी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. डांस करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड बहुत मेहनत लगती है,
it's a very difficult show to handle, and may the best couple win. Thank you guys. Thank you.